हेलो एवरीवन इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं यू डी आई एस ई स्टेट एंड नेशनल लेवल डाटा बेस इन एजुकेशन सो बेसिकली ये जो टॉपिक है ये हमारा आईसीटी इन एजुकेशन का टॉपिक है ठीक है तो हम लोग इस वीडियो में क्या करने वाले हैं वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि जो स्टेट एंड नेशनल लेवल डाटा बेस हैं वो क्या है और किस तरह से ये हमारे एजुकेशन की फील्ड में इम्पॉर्टेंट है सबसे पहले तो लेट्स डिस्कस अबाउट यू डी आई एस ई जो इसका मतलब है मतलब जिसकी फुल फॉर्म है यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इन्फॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन ओके इट स्टैंड फॉर यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इन्फॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन ये एक ऐसा डाटा बेस है मतलब यहाँ पर सारा डाटा है या फिर आप कह सकते हो डाटा बेस क्या होता है ना वहाँ से हम लोग डाटा निकाल सकते हैं या फिर इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ डाटा तो ये डाटा बेस वो है जो कलेक्ट करता है और मेंटेन करता है मतलब मेंटेन करके रखता है कलेक्ट करता है इन्फॉर्मेशन किसी भी एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर की ठीक है मतलब कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है उसका इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन कितने एनरोलमेंट्स हुए हैं बच्चों की परफॉर्मेंस कैसी है स्कूल्स में अलग अलग स्कूल्स में बच्चे किस तरह से परफॉर्म कर रहे हैं एंड ऑब्वियसली अगर हमारे पास इतना बड़ा डाटा होगा ठीक है इफ़ वी आर हैविंग दैट बिगर डाटा बेस तो हाउ इट विल हेल्प अस सो ये एक बहुत ही वाइटल टूल हो जाता है हमारी एजुकेशनल प्लानिंग में मॉनिटरिंग में एंड पॉलिसी मेकिंग में तो ये वाली चीज हमें हेल्प करती है प्लानिंग प्रोसेस में मॉनिटरिंग में एंड उसके बाद ये हेल्प करती है इन पॉलिसी मेकिंग प्रोसेस राइट सो so, अगर आपके पास इतना सारा डाटा हो रिलेटेड टू एजुकेशन एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर, एनरोलमेंट बच्चों की कैसी परफॉर्मेंस रही है इसके साथ आप इस डाटा के साथ आगे जाके प्लानिंग कर सकते हो चीज़ों को मॉनिटर कर सकते हो कि भाई अब कितना इम्प्रूवमेंट हुआ है कितना और होना है एंड ऑबियसली दीज थिंग्स कैन हेल्प यू इन पॉलिसी मेकिंग प्रोसेस यू डी आई एस ई डाटा इज मटेन्ड एट बोथ द स्टेट एंड नेशनल लेवल ये जो डाटा होता है ये मेंटेन किया जाता है स्टेट और नेशनल लेवल दोनों जगहों पे ठीक है सबसे पहले अगर मैं बात करूं स्टेट लेवल यूडी यूडीआईएस डाटा बेस स्टेट लेवल पे क्या होता है हर स्टेट में इंडिया में अपना खुद का यूडीआईएसई डाटाबेस है ठीक है हर स्टेट का अपना खुद का यूडीआईएस डाटाबेस है जिसमें वहाँ के स्टेट के एजुकेशन सिस्टम की नेसेसरी इंफॉर्मेशन यू नो स्टोर है या आप कह सकते हो कि वो उसको देखता है जो वहाँ के एजुकेशन सिस्टम की है दिस डाटा बेस इज़ यूज बाय स्टेट एजुकेशनल डिपार्टमेंट्स एंड अथॉरिटीज़ फॉर स्टेट लेवल प्लानिंग पॉलिसी फॉर्मुलेशन एंड रिसोर्स एलोकेशन तो जब हमारे पास देखो अगर सपोज़ आप किसी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो जहाँ पे आपको पॉलिसीज़ बनानी है किसी भी तरह से एजुकेशन सिस्टम को इंप्रूव करना है तो आप क्या करोगे आप रैंडमली तो स्टार्ट नहीं करोगे आपका जो ये यू डी डाटा बेस है इसमें से आप देखोगे कि अच्छा मुझे यहाँ पे इन्फॉर्म यहाँ पे मेंटेन करना है यहाँ पे एनरोलमेंट कम हुए हैं तो यहाँ पे कुछ और ज़्यादा एफ़र्ट डालना है तो जब हमारे पास ये सारी इन्फॉर्मेशन होती है तो उससे हम पॉलिसी फॉर्मेशन अच्छे से कर पाते हैं कहाँ कहाँ पे पैसा लगाना है रिसोर्स कहाँ पे एलोकेट करने हैं वो हमारा सक्सेसफुल हो पाता है एंड ऑब्वियसली स्टेट लेवल प्लानिंग भी अच्छे से हो पाती है डाटा कलेक्टेड एट द स्टेट लेवल टिपिकली इंक्लूड इन्फॉर्मेशन ऑन स्कूल्स टीचर्स स्टूडेंट्स इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज एनरोलमेंट एंड अकेडमिक परफॉर्मेंस जो डाटा कलेक्ट किया जाता है स्टेट लेवल पर उसमें आप कह सकते हो कि इंफॉर्मेशन होती है स्कूल्स के बारे में टीचर्स के बारे में बच्चों के बारे में वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में फैसिलिटीज़ के बारे में कि क्या क्या फैसिलिटी दे रहे हैं एनरोलमेंट के बारे में एंड अकेडमिक परफॉर्मेंस के बारे में सो ऑल दीज थिंग्स आर इंक्लूडेड इन स्टेट लेवल यू डी आई फिर आता है नेशनल लेवल यू डी पर द नेशनल लेवल यू डी एक कंसॉलिडेटेड डाटा है यानी कि एक अपने आप में एक जिसमें सारी चीज़ें मिल गई हैं वो वाला डाटा बेस है जो क्या करता है कंपाइल्स एंड मेंटेन इंफॉर्मेशन फ्रॉम ऑल द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज इन इंडिया क्या करता है ये जो भी अलग अलग स्टेट्स हैं या फिर यूटी हैं इंडिया के अंदर वहां सबसे ये इंफॉर्मेशन इकट्ठी करके सबको जोड़ता है कंपाइल एक जगह कर देता है तो देखो ऑब्वियसली बात है स्टेट में स्टेट के बारे में फंक्शन होगा और नेशनल लेवल में अलग अलग स्टेट का डाटा होगा है ना तो ये मेंटेन करता है इन्फॉर्मेशन फ्रॉम ऑल द स्टेट्स एंड फ्रॉम ऑल द यूनियन टेरिटरीज इन इंडिया एंड ये एक ओवरऑल यू नो कॉम्प्रिहेंसिव टोटल ओवरव्यू देता है एजुकेशन का अक्रॉस द कंट्री कि मतलब हमारी एजुकेशन किस तरह से रन कर रही है कौन कौन से इंडिकेटर्स पे ध्यान देना है अगर हम बात कर रहे हैं कि फॉर एग्जाम्पल इट अलाउस यहाँ पे लिखा भी है फॉर द कंपेरिजन ऑफ एजुकेशनल इंडिकेटर एंड ट्रेंड्स एट द नेशनल लेवल हम अगर चीज़ें देखना चाहते हैं कि क्या चीज़ें चल रही हैं क्या देखो जैसे फॉर एग्जाम्पल अलग अलग स्टेट्स हो गई ठीक है हमने देखा कि भाई यहाँ एक स्टेट में कुछ और हो रहा है यहाँ सपोज कुछ और हो रहा है यहाँ कुछ और हो रहा है यहाँ हम इन सबको देखेंगे और देखेंगे कि क्या ट्रेंड है कई कही बार कहीं जैसे 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 टाइम चेंज आता है कोविड जैसे आया तो हर किसी ने अपना एक तरीका अपना लिया तो वो सब चीज़ें हम एक नेशनल लेवल पर समझ पाएंगे कि देश का क्या ट्रेंड चल रहा है ठीक है दिस डाटा इज़ यूज बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड अदर नेशनल लेवल बॉडीज़ फॉर फॉर्मुलेटिंग एजुकेशनल पॉलिसीज़ असेसिंग द इम्पैक्ट ऑफ वेरियस इनिशियटिवस एंड एड्रेसिंग नेशनल लेवल एजुकेशनल चैलेंजेस सो ये जो डाटा होता है ये कौन यूज़ करता है इट इज़ यूज बाई मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ठीक है कौन यूज़ करता है इसको मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन यूज़ करते हैं एंड बाकी नेशनल लेवल बॉडीज़ ताकि वो लोग एजुकेशन पॉलिसीज़ को फॉर्मुलेट कर सकें ये देख सकें कि इम्पैक्ट क्या होगा अलग अलग इनिशिएटिव्स का ठीक है तो ये डाटा हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है या और भी नेशनल लेवल बॉडीज़ जो हैं वो देखती हैं और इसको एनालाइज करके वो पॉलिसीज़ बनाती हैं वो ये देखती है कि इन सब का क्या इम्पैक्ट होने वाला है एंड नेशनल लेवल जो चैलेंजेस हैं उनको एड्रेस करने की कोशिश करती ठीक है अब ये जो नेशनल लेवल यू डी है ये बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है देखो आपको पता होगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स कुछ कॉमन गोल्स हैं जिसके बारे में बहुत बार डिस्कस किया जाता है तो हमें ये भी देखना होता है कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है क्या इन गोल्स की तरफ जा रहा है ठीक है सो इट हेल्प अस टू ट्रैक डाउन और ट्रैक आवर प्रोग्रेस हम अपनी प्रोग्रेस देख पाते हैं एजुकेशनल गोल्स की कि किस तरह से वो क्या एस की तरफ बढ़ रही हैं, सो दिस इज ऑल अबाउट नेशनल लेवल यू डी आई एसी डाटा बेसिस नाउ किस तरह का डाटा कलेक्ट किया जाता है और मेंटेन किया जाता है यू डी आई डाटा बेसिस में वो पढ़ लेते हैं सबसे पहले स्कूल इंफॉर्मेशन डिटेल्स अबाउट द नंबर एंड टाइप्स ऑफ स्कूल देयर मैनेजमेंट एंड लोकेशन यहाँ पे कितने स्कूल्स हैं कितने टाइप के स्कूल्स हैं उनका मैनेजमेंट किस तरह से वर्क कर रहा है का क्या लोकेशन है इस सब पे डाटा होता है टीचर इन्फॉर्मेशन इंफॉर्मेशन अबाउट टीचर्स इंक्लूडिंग देयर क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस एंड वैकेंसीज ठीक है टीचर इंफॉमेशन मतलब टीचर्स के बारे में इंफॉर्मेशन होना उनकी क्वालिफिकेशन के बारे में इंफॉमेशन होना एक्सपीरियंस वैकेंसीज इस सब पे फोकस होता है स्टूडेंट एनरोलमेंट मतलब डाटा ऑन स्टूडेंट एनरोलमेंट कितने बच्चों ने एनरोल किया है ठीक है अटेंडेंस क्या है ड्रॉप आउट रेट्स क्या है इस सब पे फोकस होता है इसके अंदर कि बच्चों ने कितने बच्चों ने इस बार एडमिशन लिया कितने बच्चों ने स्कूल छोड़ा अटेंडेंस कितनी रही उससे हम आगे चेंजेस ला सकते हैं सपोज आपने नोटिस किया था मिड डे मील से पहले एग्जाम्पल दे रही हूँ कि बच्चे स्कूल ही नहीं आ रहे हैं फिर मिड डे मील के बाद क्योंकि उन्हें लंच मिलने लग गया तो बच्चों ने एनरोलमेंट रेट और प्लस अटेंडेंस फुल होने लग गई तो ये इम्पैक्ट ये सब चीज़ें उस डाटा में स्टोर होती हैं इंफ्रास्ट्रक्चर में पता होता है कि स्कूल्स में क्या फैसिलिटीज़ हैं क्लासरूम्स कैसे हैं लाइब्रेरीज़ कैसी हैं लैब्स कैसी हैं वहाँ पे बच्चों के लिए सैनिटेशन फ़ैसिलिटीज़ किस तरह की दी जा रही हैं ये सारी इंफॉर्मेशन आपके इंफ्रास्ट्रक्चर में होती है अकैडमिक परफॉर्मेंस की अगर बात करें तो स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस अलग अलग एग्ज़ाम्स में और असेसमेंट्स में इसमें बात होती है कि डाटा ऑन स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस इन वेरियस एग्ज़ाम्स यानी कि जो बच्चे हैं उनकी परफॉर्मेंस अलग अलग एग्जाम्स की एंड असेसमेंट की ठीक है फिर आता है डेमोग्राफिक डेमोग्राफिक इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेशन ऑन द डेमोग्राफिक कैरेक्ट्रिस्टिक्स ऑफ स्टूडेंट्स कि कहाँ से हैं बच्चे सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड क्या है जेंडर क्या है ठीक है किस रीजन से हैं सारी इन्फॉर्मेशन इस सब में होती है फाइनेंशियल डाटा कि कितना हमने बजट पैसा लगाया है एजुकेशन पे कौन से पोर्शन पे कितना पैसा लगाए ये सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यू डी आई एस डाटा बेसिस में होती है Now UDISS plays a crucial role in in evidence-based decision making in education. important role play करता है कैसे हमारे पास सारा डाटा आ गया अब सीधे ये जो डाटा है ये ऐसा हवा हवा में तो है नहीं हमारे पास proper एक database है जिससे हमने ये डाटा निकाला है तो इसके basis पर हम लोग decisions ले पाएंगे And obviously ये चीजें पॉलिसी मेकर्स को एडुकेटर्स को रिसर्चर्स को हेल्प करती हैं समझने में कि अभी करंट स्टेट क्या है एजुकेशन की कहाँ पे इम्प्रूवमेंट की जरूरत है और कहाँ पे हम प्रोग्रेस देख सकते हैं या अगर मुझे प्रोग्रेस ट्रैक करनी है तो मैं कैसे कर सकती हूँ और दीज आर गिवेन इन द डाटा बेसिस सो आई होप ये वीडियो आपको क्लियर हो गई हो ये आई इन एजुकेशन का टॉपिक है आई में ये पढ़ाया जाता है प्लस और भी कई यूनिवर्सिटीज़ हैं जिसमें इसको डिस्कस किया जाता है वीडियो अच्छी लगी है तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करिएगा बट अगर कोई डाउट है कोई वीडियो नहीं मिल रही है तो उसके लिए आपको कमेंट करना होगा मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि वीडियो बनाऊँ एंड प्लेली ज़रूर चेक कीजिएगा यू विल फाइंड मनी सब्जेक्ट्स मैनी वीडियोज़ रिलेटेड टू योर कंटेंट ओनली थैंक यू सो मच हैव हैवन डे आई एल सी यू नेक्स्ट टाइम इन द नेक्स्ट वीक